रोहित शर्मा के रिकॉर्ड तोड़ पा रही भारत ने टी20 वर्ल्ड कप में किया दमदार आगाज, आयरलैंड को रौंदा। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय टीम ने दमदार शुरुआत की है। उसने न्यूयॉर्क में खेले गए मुकाबले में आयरलैंड 8 विकेट से हरा दिया। रोहित की कप्तानी वाली भारतीय टीम अब अगले मुकाबले में 9 जून को पाकिस्तान का सामना करेगी। भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 में अपने अभियान का आगाज जीत के साथ किया। 5 जून यानी बुधवार को न्यूयॉर्क के नासाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारत ने आयरलैंड को 8 विकेट से हरा दिया। मुकाबले में आयरलैंड ने भारत को जीत के लिए महज 97 रनों का टारगेट दिया था, जिसे उसने 12.2 ओवरों में हासिल कर लिया। भारतीय टीम अब अगले मुकाबले में 9 जून को पाकिस्तान का सामना करेगी। रोहित ने बाबर आजम को पछाड़ा। भारतीय टीम के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने 37 गेंदों पर 52 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। रोहित रिटायर्ड हर्ट हुए। रोहित ने इस पारी के दौरान टी20 इंटरनेशनल में 4000 रन भी पूरे कर लिए। साथ ही वह पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को पछाड़ कर टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर आ गए। बता दें कि विराट कोहली टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, जबकि रोहित ने 4026 और बाबर ने 4023 रन बनाए हैं। रोहित शर्मा ने इस पारी के दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट में भी 600 छक्के पूरे कर लिए। भारत के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत 26 गेंदों पर 36 रन बनाकर नाबाद रहे। पंत ने अपनी पारी में 3 चौके और 2 छक्के लगाए। इंटरनेशनल क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में 4000 प्लस रन। विराट कोहली टेस्ट में 8848, वनडे में 13848 और टी20 में 4038। रोहित शर्मा टेस्ट में 4137, वनडे में 10709 और टी20 में 4026। इससे पहले मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरिश टीम 16 ओवर में महज 96 रनों पर ढेर हो गई। आयरिश टान के बल्लेबाज भारतीय तेज गेंदबाजों के सामने बेबस नजर आए और शुरुआत से ही उसके विकेट गिरते चले गए। गैरेथ डेलानी, जोशुआ लिटिल, कर्टिस कैम्फर और लॉरकन टकर ही दोहरे अंकों तक पहुंच सके। डेलानी ने सबसे ज्यादा 14 गेंदों पर 26 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। वहीं लिटिल ने 14, कैम्फर ने 12 और टकर ने 10 रनों का योगदान दिया। भारत के लिए हार्दिक पांड्या ने जहां सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए, वहीं अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह को 2-2 विकेट हासिल हुए। मोहम्मद सिराज और अक्षर पटेल ने भी 1-1 विकेट चटकाए। देखा जाए तो टीम इंडिया का आयरलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड बेहतरीन रहा है। भारत ने इस टीम के खिलाफ अब तक एक भी मुकाबला नहीं हारा है। भारत और आयरलैंड के बीच अब तक कुल 8 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले हुए हैं। इसमें टीम इंडिया ने सभी मैच जीते हैं, वहीं 3 ODI मैचों में भी भारत को ही जीत मिली। भारतीय टीम ने इस मैच के लिए अपनी प्लेइंग 11 में चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव, विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन, लेग स्पिनर यजुवेंद्र चहल और ओपनर यशस्वी जायसवाल को शामिल किया है। ऐसे में विराट कोहली और कप्तान रोहित शर्मा ने ओपनिंग की। दूसरी ओर आयरलैंड ने क्रेन यंग, नील रॉक, ग्राहम ह्यूम और रोस अडायर को प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया।